शरीर के अंदर अभी क्या चल रहा है? क्या आपने सोचा है कि हम कितना कम जानते हैं अपने अंदर के शरीर को? हजारों प्रक्रियाओं को एक साथ करने वाला बहुत गजब का मशीन है इंसान का शरीर। आज इस वीडियो में मानव के शरीर के अंदर जाकर इस प्रक्रियाओं को हम देखेंगे, मगर किसमें देखेंगे? चलिए इस सो रहे मानव में इन प्रक्रियाओं को देखते हैं। ये हमारी आपकी तरह आम आदमी है जो सो रहा है। मान लीजिए 6 बज गया है और अब इसके उठने का समय हो गया है, तो चलिए जल्दी से इनके शरीर के भीतर चलते हैं। मगर कहां से जाएं? नाक के छेद से चलते हैं। क्या है ये अंधेरा सा लग रहा है? यहां तो बड़ा जंगल जैसा है कुछ। क्या है जानते हैं आप? जी हाँ, नाक का बाल। ये बाल बहुत जरूरी होता है क्योंकि हवा में मौजूद गंदगी को ये पकड़े रहता है और शरीर के अंदर नहीं जाने देता है। सांस छोड़ते समय या छींकते समय इन गंदगियों को ये बाहर भी फेंक देता है। हम भी इससे निकलते हैं वरना परेशानी हो सकती है, इसलिए जल्दी करिए, चलते हैं इससे आगे, कहीं ऐसा ना हो कि छींकते समय नाक हमें भी बाहर फेंक दे। तो चलिए, नाक के आगे एयर पाइप में हवा साफ होती है और थोड़ी गर्म भी होती है, फिर ये ट्राकिया के माध्यम से लंग्स की तरफ आगे बढ़ती है। ट्राकिया को देखिए दोस्तों, ये 2 भागों में बंटकर दोनों लंग्स की तरफ फैलता है। लंग्स यानी फेफड़ा। ट्राकिया लंग्स में ब्रोंकाई के भागों में बट जाता है और फिर एल्वियोलाई तक हवा को पहुंचाता है। और दोस्तों, यहीं पर खून यानी ब्लड ऑक्सीजन को हवा से ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं छोड़ देता है। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वापस नाक के माध्यम से हवा बाहर निकल जाती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, लगभग 23,000 बार हर दिन हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं, और ये प्रक्रिया 23,000 बार होती है हर दिन। अब कैपिलरीज में चलते हैं दोस्तों, जहां से ऑक्सीजन होते हुए हमारे हार्ट यानी दिल तक पहुंचेगा। इस पूरे सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ब्लड वेसल्स के माध्यम से होते हुए ऑक्सीजन हमारे हार्ट तक पहुंचता है, और पूरे ब्लड वेसल की लंबाई को जोड़ दिया जाए अगर तो लगभग 10,000 किलोमीटर तक लंबी होती हैं ये। खून ऑक्सीजन को लेकर हमारे दिल के बाईं तरफ बढ़ता है, हार्ट इसको लेकर पूरे बॉडी के अलग अलग भागों में पंप कर देता है, जिससे ऑक्सीजन युक्त खून सब तक पहुंच जाए और हमारा मसल ऑक्सीजन ले ले। तो दोस्तों, आशा है आपको ये सब मजेदार लगा होगा और अब आप अपने बॉडी के पार्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में हम और भी बॉडी के पार्ट्स देखेंगे और भी नए सिस्टम को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।